थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बायो, किसी को पता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? जब तक एक दो मिनट बच्चे आ रहे हैं बताओ, कौन बताया? बायो वाले, विकास के सिद्धांत बताओ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, कौन बताया? साइंस वाला कौन है बताओ? उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत, वैसे तो उत्पत्ति का होता है, समुद्र से होती विकास नहीं पता, साइंस पढ़ो ध्यान से। किसी ने पढ़ी है कभी सूप थ्योरी? सूप, सूप थ्योरी, SOUP थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार ये कहा जाता है, जैसा मैंने पढ़ा है कि हमारा अर्थ सबसे पहले बहुत गर्म था, उसके बाद टाइमली वो ठंडा हुआ, और उसके बाद उस पर ऐसे कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए जो इस टेम्परेचर की वजह से आपस में रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से सबसे पहले ब्लू एल्गे हमारे प्लेनेट पे पाई गई, और धीरे धीरे करके बताते हैं कि यही इवॉल्व होकर एक चार्निक सूप बन गया। उस सूप में ऐसी ऐसी गैसेस थी जिसके कारण वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाया, और तभी जन्म हुआ पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे इंसान कहते हैं। सिंपल ये था, इसे प्रीबायोटिक सूप थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से पहले की। चलो, अगर एनवायरनमेंट पढ़ाया मैंने तो मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा, तो बताओ करें, लग रहा है स्टूडेंट इतनी रह गया, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ सही कर चला, विकास का सिद्धांत आगे। नीट वाले टीचर कहेंगे हमारी क्लास खतरे में, शाम को आ जाएगा तुम्हें, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ चलो। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था, ये एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें CGI होना चाहिए और जजेस होना चाहिए, जो कि किसके द्वारा नियुक्त होंगे? पार्लियामेंट के द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन पुरानी CGI की रिकमेंडेशन पर जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या इनके लिए टेम्पररी रोक है? जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद पूरे भारत में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 129 में हमने देखा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कोर्ट ऑफ ठीक है। उसके बाद 132 से 134 में मैंने आपको ये बताया था कि 134A में एक सर्टिफिकेट मिलता है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जाने के लिए हमें या तो केंद्र और राज्य का विवाद होगा या तो हम रिट डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप सोचो कि ए और बी ने लड़ाई कर ली तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर अपील के राइट में तो जा सकते हैं, तो अपील का स्टेप बाई स्टेप है, पहले आपको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके अपील करना मिलेगा, यानी अपील कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनली आपको पहले केस कहाँ फाइल करना पड़ेगा? लोअर कोर्ट पर। उसके बाद 130 में हमने एक चीज़ ये देखी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही क्यों है, ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताओ। इतनी चीज़ें अभी हमने कवर करी हैं, आज आपको बताऊंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है, फिर हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे और जुडिशरी खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा जुडिशरी नहीं। हाँ बताओ, आप आए थे इससे पहले भी क्या था? समझ में नहीं आया था, चलो रिवाइज किए दे रहा हूँ। इस वाले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है।
इंडिया की बनी हुई बायोमास से। चलो बोल जाओ, ये सोचो ये दिल्ली है, ठीक है निशान, सुप्रीम कोर्ट यहीं पर। अब पॉइंट की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में क्यों है, मैंने बताया था कि इस बात को लेकर के विवाद चलता है कि सर आज 60-70% केसेस जो है वो दिल्ली के लोग आसानी से फाइल कर देते हैं, लेकिन दक्षिण के जो लोग हैं वो 20-30% ही न्यायालय जा पाते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, दिल्ली वालों के लिए क्लोज है, यूपी पास है, बिहार पास है, नॉर्थ के जितने भी एरियाज हैं उनमें जा कर के दिल्ली बहुत काफ़ी नज़दीक है। लेकिन अब किसी को केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से आना है तो उसको टाइम लगेगा। तो ऐसे में सजेशन दिए गए कि पूरे इंडिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करो और यहाँ बना दो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिसको भी अपील करनी है वो एनसीए में चला जाए। लेकिन पता है क्यों नहीं बन पाया दिल्ली के अलावा, फिर दिक्कत ये आई कि जब इन्होंने राज्यों के हिसाब से बांटा, जैसे इस तरफ के राज्य ले लो तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और ये सब हो गए, तो तुरंत ही तो स्टेट खड़ा हो गया और उसने कहा कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप हमारे यहाँ उसकी ब्रांच शिफ्ट कर दो, इसको जम्मू कश्मीर में बना दो। तो खड़े हो गए भाई चंडीगढ़ वाले, उन्होंने कहा हमारे यहाँ क्यों बनाओ, हमारे यहाँ बना दो, राजस्थान खड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, केंद्र और राज्य का विवाद निपटाना है कि शक्ति एकीकृत हो जाए जब जब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आए। पता चला यहाँ शक्तियों के विभाजन में ही दिक्कत आ रही है कि एनसीए की एक बेंच बनाई और वहाँ पे दूसरा राज्य क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके के डिस्प्यूट से निपटने के लिए अभी ये फैसला फिलहाल पेंडिंग है, लेकिन आगे भविष्य में एनसीए आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि न्याय प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी हमारे यहाँ हैं इंडिया में, ट्रिब्यूनल भी समाउ इसी की तरह है, लेकिन उनकी पावर जो है वो हाईकोर्ट के इक्विवेलेंट है। तो ट्रिब्यूनल होने की वजह से ये आइडिया भी पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम में नहीं 23 के एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये मुद्दा दोबारा उठ गया है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील इंडिया में होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके पीछे ये लॉजिक है। अब आज जो चीज़ हम समझेंगे वो इंटरेस्टिंग है, 142। आप लोगों ने 141 भी पढ़ा था, 141 का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो पूरे भारत में लागू होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर कभी कोई ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है तो वो कहाँ लागू होता है, वो पूरे भारत में लागू होता है। पूरे भारत में लागू होता है ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, 141 में लिखा है। इसे लैटिन भाषा में बोलते हैं स्टार डेसिस। ऐसे क्वेश्चन मेंस में बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये टर्म बड़ा पॉपुलर है स्टार डेसिस। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार डेसिस 11, स्टार डेसिस क्या है। तो स्टार डेसिस का मतलब यही होता है कि वो डिसीजन आप आसमान में यहाँ से बैठ करके जिस तारे को देखोगे सभी को तारों को परिवर्तन दीजिएगा, या वही तारे जहाँ को देखेंगे वही मुझे देखेंगे, वही शुरुआत नहीं है, एक ही जैसे तारे देखेंगे। उनका लॉजिक ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे भारत जब देखे तो सभी को एक समान देखना चाहिए, अब तो कभी बोलोगे, इसलिए कहते हैं स्टार डिसीजन, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने लॉजिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आज हम पढ़ेंगे 142 और 142 बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले एक प्यारा सवाल आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट से मैंने एक निर्णय लेकर के लिया, ध्यान से सुनना, इसको लिख लिया ना स्टार डिसिस को इंग्लिश में STARDECIS, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट्स में मिल जाएगा ये वर्ड स्टार डिसिस। आ जाओ अभी शुरू हुआ, जल्दी बैठो, टैबलेट वितरण की लिस्ट भी आ गई है, बैठो। सवाल आप लोगों से, सपोज अपर्णा के मोहल्ले में एक बात है जैसे ले करके रिलीजन को कि हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं थोड़ा सा,
कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। अपर्णा के मोहल्ले में एक बिल्डिंग है पर्टिकुलर, वो वीरान पड़ी हुई है, वहाँ पे दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग क्लेम कर रहे हैं ये मुझको दे दो। अपर्णा के मोहल्ले के कुछ और अदर रिलीजन के लोग हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं मुझे दे दो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये है बिल्डिंग जो कि खंडर है, इसमें कुछ नहीं, ये अपर्णा, ये अपर्णा के पड़ोसी, ठीक है, ये दोनों लोग इसे क्लेम कर रहे हैं, ये हमें दे दो, हमें दे दो। एक कह रहा है कि हमें अपने धार्मिक काम करने, एक कह रहा है हमें अपने धार्मिक काम करने। ध्यान से समझना, इससे मैं जो है वो आपको एक जजमेंट कनेक्ट करने जा रहा हूँ जो 14,000 पन्नों का था, ठीक है, अपने आप समझ जाओगे, समझ जाओ। एक ये बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें इस पार्टी ने कहा कि मुझे दे दो, दूसरी पार्टी ने कहा मुझे दे दो। अब मैं जब कोर्ट लेके जाऊंगा इस फैसले को, तो कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट किस चीज़ का निस्तारण करेगा, यही तो निस्तारण करेगा कि इस बिल्डिंग का क्या होगा, या तो इसको मिलेगी या इसे मिलेगी, या इसे नजूल की भूमि कह के, नजूल की ज़मीन वो होती है जिस ज़मीन पे किसी का कब्जा नहीं होता तो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, या तो इसको सरकार ऑक्यूपाई कर लेगी, यही तो होगा। लेकिन अपर्णा ने प्रमाण देना शुरू कर दिए, सर हमारी दादी देखा करती थी ये बिल्डिंग जो है वो एक एक टाइम पे इसके अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता था किसी धर्म विशेष का। ध्यान से समझना, इन्होंने हवाला दे दिया कि आज से 20-30 साल पहले इस बिल्डिंग में पर्टिकुलर धर्म को मनाया जाता था। इधर से इनके पड़ोसी ने भी हवाला दे दिया, नहीं नहीं इस सन से लेके इस सन में हमारे धार्मिक कार्य होते थे, समझ रहे हो ना, अगर इनको हिंदू मान लो, इनको मुस्लिम मान लो, तो दोनों अपने अपने क्लेम कर रहे हैं। अब कोर्ट के सामने जो निर्णय देने का फैसला आया है, कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि इस बिल्डिंग को इनको दें अपने पास रखें या क्या करें। लेकिन कोर्ट आपने देखा होगा सिर्फ यही फैसला नहीं देगा, कोर्ट बताएगा इस फैसले के अंदर सेकुलरिज्म क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, बिल्डिंग पाने के अधिकार क्या है, बिल्डिंग किसके पास जाना चाहिए, भविष्य में ऐसा कोई बिल्डिंग से संबंधित बात आए तो उसमें क्या करना चाहिए। अरे सर हम तो सिर्फ ये पूछने गए थे कि इस बिल्डिंग का क्या होगा, लेकिन आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि सेकुलरिज्म भी बताएगा कोर्ट, सब कुछ बताएगा, तो ऐसा कोर्ट क्यों करता है, कोई बता सकता है कि हम कोर्ट के पास समस्या लेने गए लेकिन उस समस्या के आसपास और भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कोर्ट वो भी निपटाता है, ऐसा क्यों। और आसान किए देता हूँ, आर्टिकल 21 के तहत हमारे पास में हमारी निजता ना दिखाने का अधिकार है, आप कोई भी ऐसा पेपर नहीं दिखाएंगे जिससे आपकी प्राइवेसी होती, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि वो पेपर गवर्नमेंट द्वारा आपको बाध्य ना किया जाए कि शो करना होगा, ठीक है। आ जाओ, आधार केस में जब आधार केस गया कोर्ट में तो फिर एक ही सवाल था कि आधार पे जो केस है क्या हम दर्ज कर सकते हैं कोर्ट में, क्या वो संवैधानिक है कि नहीं। लेकिन कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बताया, प्राइवेसी को बताया, डेटा प्राइवेसी को बताया कि आपके मोबाइल का डेटा होता है ये कहाँ जाएगा, ये भी बताया कि आधार के अंदर मेल आएगा, फीमेल आएगा, ट्रांसजेंडर आएगा, क्या क्या आएगा, आधार बैंक से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, तो ऐसा कोर्ट क्यों करता है, बात समझे। हम तो सिर्फ ये पूछने गए कि इस बच्चे की मम्मी कौन, वो ये भी बता रहा है नाना ये हुए, मामा ये हुए, चाचा ये हुए, पड़ोसी ये हुए, आगे चल के इस स्कूल में ये पढ़ेगा, ऐसा कोर्ट क्यों करता है, आप समझे सवाल को, बताओ बताओ। क्यों करता है कोर्ट ऐसा, दिमाग लगाइए। ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जजमेंट की कॉपी 11,100,000 पन्नों की होती है, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन तो लिखनी होती है कि ए और बी के आपस का वाद यानी कि निपटारा हमने कर दिया, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार भी बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे, ऐसा क्यों करते हैं, उनकी जजमेंट की कॉपी में इतना कुछ क्यों होता है। राम मंदिर वाला जो केस था वो 14,000 पन्नों से ज़्यादा का था, ठीक है, रामलला वाला जो राम जन्मभूमि वाला केस था वो 14,000 पन्नों से ज़्यादा का था, और उसमें जन्मभूमि की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसमें जो बाद था वो था ऑफिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अगर ये जो स्थान है ये किसका बनता है, जा करके इस चीज़ को डिसाइड करना था, लेकिन उन्होंने उसमें तमाम चीज़ें दे दी, सेकुलरिज्म भी बताया, आर्टिकल भी बताए, ये भी बताया, वो भी बताया, हर चीज़ बताई, ऐसा क्यों करते हैं बताओ। कोई कन्फ्यूजन ना रहे और बाद में फिर से कोई भी बात ना हो जाए, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। वो तो हो गया 129 जो आप कह रही हो, ये था अभी लिख गया है 129 कि भविष्य में किसी भी उस मंदिर को लेके कभी भी बात उठेगा या किसी भी मंदिर मस्जिद को लेके, तो उस कागज़ के जैसे अगर तथ्य हुए तो हम वही जजमेंट उठा के लगा देंगे कि कंडीशन सेम है, इसके बेसिस पे आप जजमेंट दे दो, वो भी आप ठीक बता रहे। और कोई किसने बोला कंप्लीट जस्टिस, गुड वैशाली, वेरी गुड। ये लाइन मैंने परसों बोली थी लेकिन ध्यान नहीं दिया, 142 के अंदर एक चीज़ आती है कि कोई भी डिग्री यानी कि कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक हथियार है, कंप्लीट जस्टिस। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के लिए नियम बना दिए जबकि काम जो है वो विधायिका का है, लेजिस्लेटिव का है? कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो भी काम जुडिशरी ने ही कर दिया, ऑर्डर दे दिया जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ, जबकि पकड़वाना किसी को न्यायालय का काम नहीं है, वो पुलिस का काम है पकड़ के लेके आना। लेकिन कभी कभी न्यायालय से डांट लगती है पुलिस वालों की और वो पकड़ के लेके आते हैं। कभी कभी विधि के अंदर ऐसे बदलाव कर दिए जाते हैं, ये लोग नया कानून बनाने का लिख देते हैं कि जाओ इस कानून को बना करके हमें दे दो। तो आपने जब कभी भी देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले में ये जो पावर ऑफ सेपरेशन होती है, यानी कि जो आयाम बटा हुआ है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जब जुडिशरी इसमें भी चली जाए और इसमें भी चली जाए, और जुडिशरी का हिस्सा तो जुडिशरी का है, तो ऐसा जुडिशरी को अलाउड है बिकॉज ऑफ, ये जुडिशरी को इतना बड़ा हथियार मिला हुआ है, इस हथियार के बेसिस पे जुडिशरी अपने न्यायालय में बैठे बैठे ऑर्डर दे सकती है। ओपन कर दो उसको, कहना वरना इधर से आ जाओ अगर नहीं ओपन हो रहा हो। हाँ ले आओ, बाजार चौक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, चौक खत्म हो गया, ले आइए ले आइए। चलो, तो कमल के फूल से इत्र बनाए जाते हैं ऐसा अलीगढ़ में बताया गया था। बैठिए आप लोग, ठीक है बैठ जाओ। तो 142 के तहत आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ आपको इससे और समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अतः अनलिमिटेड यानी कि असीमित शक्तियां हैं 142 के अंदर, और उनके ऊपर कोई भी लेजिस्लेटिव विधायिका द्वारा बना हुआ नियम उनको बाध्य नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कल फैजान ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, उसका सीधा सीधा आंसर 142 के अंदर की कंडीशन है कि क्या 142 सुप्रीम कोर्ट जब न्याय की डिलीवरी करता है, यानी कि जब वो जजमेंट देता है और न्याय करता है, तो क्या कोई भी विधायिका का कानून उसे रोक सकता है? नहीं, वो अपने सामने आने वाले कानून को भी धज्जियाँ उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मिला हुआ है, और संविधान की व्याख्या का मतलब हम बताएंगे संविधान क्या कह रहा है, तुमने उसमें संशोधन किया है, वो संशोधन जब ओरिजिनल संविधान बना था तो जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच के हिसाब से भिन्न तो नहीं हो गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, संविधान चलता है संविधान बनाने वाले आइडियोलॉजीज को प्रूव करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब संविधान बना था तो उन्होंने संविधान सभा में बैठ के कहा कि हर व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, अब कुछ भी हो जाए संशोधन भी कर दो लेकिन समानता नहीं छीनी जा सकती, इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बात आई समझ में? यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सर संवैधानिक बात क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? संवैधानिक बात वो होता है कि कुछ भी हो जाए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं होने देंगे, रूल ऑफ लॉ चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी बोला है तो लाएंगे, इसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। बैठ जाओ। और आप ये जो अलग अलग तरीके के सिद्धांत पढ़ते हैं ना कि शक्तियों का विच्छेदीकरण, ठीक है, समानता, जांच और नियंत्रण, सीमित सरकार, ये सब संवैधानिकतावाद ही कहलाता है। क्या सर जिन देशों में संविधान नहीं होता वहाँ संवैधानिकतावाद होता है? बिल्कुल होता है। संवैधानिकतावाद एक सोच है, एक प्रिंसिपल है जिसके नीचे संविधान आता है, संविधान उससे ऊपर नहीं है, संवैधानिकतावाद सबसे ऊपर है। एग्जाम्पल, आपके घर में कोई लॉ नहीं था लेकिन बचपन से माँ बाप ने बताया ना कि आप चोरी ना करो, ये तो सभी को पता है कि आपके घर में कोई पहले लॉ बताया मम्मी पापा ने कि देखो 378 चोरी की धारा है, इस वजह से तुम चोरी ना करो, तो आपके धर्म के हिसाब से उन्होंने बताया ना कि बेटा चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत होता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये बता दिया गया कि एक देश होगा, उस देश में लोगों को मौलिक अधिकार मिले जाएंगे, समानता रखी जाएगी, उनसे कभी भी उनका शोषण नहीं किया जाएगा। अब जब तुमने संविधान बनाया तो तुमने ये चीज़ें डाल दी, तो बड़ा कौन हुआ? संवैधानिकतावाद। बात आई समझ में? क्लियर। चलो अब 142 को और देख लेते हैं। चौक मिली मजाक नहीं, कहाँ गए? अच्छा नया बॉक्स ही लिया, वाह ये काम सही करा। चलो अब देखो ध्यान से, नाउ 142 के अंदर आपको एक चीज और समझनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सर क्या सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा कि पूर्ण न्याय करता है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, और आपको 142
बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कुछ कंडीशन समझ लें। भारत में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के ऑफिस में एक पत्र आ गया, ध्यान से समझना, और इसको हिंदी में पत्र नहीं लिखना, बताऊंगा क्यों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, पूरे भारत में एक ही होते हैं, दिल्ली में, इनके ऑफिस में एक लेटर आता है, उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है, कृपया करके मुझे न्याय देना है, या कृपया करके मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोर्ट फाइल नहीं कर सकता, ये मुद्दा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लग गया कि सच में इसके साथ अन्याय हुआ है, कोई ऐसा मैटर है जिसपे मुझे सक्रियता यानी कि एक्टिविज्म दिखानी चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी चीज को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देता है तब उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बात आई जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, समझ में आया। आपने शब्द सुना होगा न्यायिक सक्रियता, कि जजेस बहुत सक्रिय हैं, न्याय सक्रियता का सीधा मतलब होता है सक्रिय, मतलब जब कोई चीज़ एक्टिव हो जाती है। एक्टिव का मतलब पता है, जैसे आप अभी सब लोग सक्रिय हो, आप सुन रहे हो, काम कर रहे हो, अभ्युदय की क्लास ले रहे हो, टैबलेट के लिए यूट्यूब सर्च कर रहे हो, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हो तो आपके अंदर एक सक्रियता बनी हुई है। ऐसे क्या होता है जब जुडिशरी में कोई भी व्यक्ति एक लेटर के माध्यम से या कोई भी मुद्दा उठ जाए, इसने केस नहीं फाइल करा है किसी प्रकार का, ना ये कहीं कोर्ट गया, ना इसने कोई केस फाइल करा, ना कुछ करा, लेकिन जुडिशरी को लिखा लगा कि इसने जो लेटर लिखा है कि देश में अन्याय चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये पहले लोअर कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करे, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर अभी के अभी निर्णय लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तब हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर है, वो और जजेस को एक्टिव कर देते हैं कि जाओ इस मैटर को देखो, क्योंकि भाई वो प्रशासनिक प्रमुख है, और नहीं भी करते हैं तो वो अपने ऑफिस को निर्णय देते हैं कि इस पत्र को ही एक केस की तरह समझ के ऑफिस में फाइल कर दो, तारीख लगा दो, अखबार में नोटिस निकाल दो, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिख दो कि जो जज साहब हैं वो इस मामले पर सुनवाई करना चाहते हैं, बस इसी को न्याय सक्रियता कहते हैं। और हमें जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि सक्रिय न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ, भारत में सक्रिय न्याय की आवश्यकता है कि नहीं है, सवाल ये मेंस का है, क्या लगता है? सक्रिय न्याय समझ गए, कोई प्रोसीडिंग नहीं, जुडिशरी ने सीधे अपने हाथ में कमांड ले ली और अपनी एक्टिवनेस दिखा दी। सर ये सिर्फ लेटर पे किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट के जज को खुद से लग जाए या हाई कोर्ट को खुद से लग जाए, वो खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए पत्र लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पत्र लिख के उनके पास पहुंचा दिया जाता है कि सर ऐसी ऐसी बात चल रही है। मीडिया वाले, बड़े बड़े प्रोफेसर, आपके जैसे स्टूडेंट, बहुत लोग इनको लेटर लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि PIL भी क्या होती है, कन्फ्यूज़ ना हो, ये न्याय सक्रियता को पहले समझें। तो जब जुडिशियली एक्टिव होकर खुद से कुछ भी सुधार कर देती है तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। सवाल ये आता है क्या इंडिया में न्याय सक्रियता ज़रूरी है कि नहीं, बताओ ग्रुप में, क्या भारत में न्याय सक्रियता ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, चलो आप बताओ। अभी ये काउंटर क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बताइए बाजार, क्या न्याय की सक्रियता ज़रूरी है भारत में, ये जुडिशियल एक्टिविज्म ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी वो एक साल वाले जो केस है तभी तो निपटेंगे, वरना तो वो पेंडेंसी चलती रहेगी। जैसे पार्टी है वो आई नहीं रही न्यायालय, क्या करेगा? जज साहब लिख के तो दे सकते हैं कि आपको समन और वारंट कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हो तो आपके खिलाफ अरेस्ट के वारंट दे दो, ज़रूरी। आप बताओ जुडिशियल एक्टिविज्म ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है। अगर आप ये कहते नहीं भी ज़रूरी है तब भी सुप्रीम कोर्ट कहता तो होते कौन मुझे रोकने वाले? मुझे 142 के तहत अधिकार मिला है कि कंप्लीट जस्टिस करना है, मैं कैसे भी कंप्लीट जस्टिस करूंगा, तो मुझे रोक ही नहीं सकते। अब एक टर्म और आती है, उसमें आपको और मज़ा आएगा। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, उसे बोलते हैं जुडिशियल है। ये तो हम सब लोग मानते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन आज के समय पे आपको नहीं लगता कि न्यायिक व्यवस्था जो है, एक टर्म है, एक न्यूज़पेपर में निकला था कि आज जो लॉ है, लॉ
यानी कि जुडिशरी की जजमेंट है जो आगे जाकर के विधायिका लॉ बनाती है, वो हमारे बेड तक पहुंच गए, यानी कि हम रात में सो भी रहे हैं तो हमारे पास में लॉ है जो हमें सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन लॉ है, अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो वाइफ उसके खिलाफ एलिगेशन लगा के मुकदमा डाल देती है। तो एक टर्म है कि लॉ इज़ एवरीवेयर कहा जाता है। आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ जुडिशियल यानी कि न्यायिक सिस्टम हद से ज़्यादा हो गया? क्या ये गलत है या सही है? इसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, जब जुडिशरी अपने दायरे से जा कर के ज़्यादा काम कर दे या जुडिशरी अपनी तय सीमा से ऊपर जाने लगे, हद से ज़्यादा जाने लगे, तो क्या ये चीज़ समाज के लिए गलत है या जुडिशियली गलत है, या सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जुडिशियल ओवररीच सही है? दोनों बातें बताओ। ठीक है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ गलत है, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था ही क्यों ना हो। ठीक है, और कोई बात? अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज आपका एक भ्रम और टूटेगा जिसे शक्तियों का विच्छेदीकरण सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, उसे भी लेकर के एक अपवाद बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। क्यों मजा ही ऐसे आता है मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, फ्री तो रटी लोगे। हाँ बताओ, इधर क्या लगता है कि हद से ज़्यादा न्याय बढ़िया है खराब है? बढ़िया है खराब है, क्या लगता है? इसे इंग्लिश में जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, याद रखना इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दोनों स्टूडेंट, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि ये टर्म्स आपको एग्जाम में मिलती रहेंगी, अखबार में बार बार मिलेंगे, ये बहुत पॉपुलर टर्म्स है। ठीक है, क्या लगता है कि न्याय हद से ज़्यादा जा रहा है, ये गलत है कि सही है? जुडिशियल ओवररीच गलत है या सही है? चलो सर, हर वो क्षेत्र जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ पर तो न्याय की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जैसे न्याय से भी सीमा है, जैसे मैं इसका उदाहरण दिए देता हूँ, मान लो जज साहब का काम है कि सिर्फ और सिर्फ इधर से एक गवाह आया, इधर से दो पार्टियाँ आई, जिसके साथ अन्याय हुआ और जिसने अन्याय किया, दोनों पक्षों के बीच का विवाद निपटाना न्यायालय का काम है, अपना जजमेंट देना। लेकिन न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि जाओ पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन करो, जाओ जाके लॉ बनाओ, उस लॉ के तहत पुलिस पकड़ के लाओ, फिर मैं न्याय करूँगा, तो लॉ बनाने का काम विधायिका का है, एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है, और इनका काम है जजमेंट देना। लेकिन जब ये तीनों प्रक्रिया के अंदर ये सारी भूमिका अकेले ही निभा लेते हैं तो इसको कहते हैं जुडिशरी हद से ज़्यादा, जुडिशरी ओवर रीच। तो क्या ये गलत है या सही है? गलत है, सही है, चलो गलत है या सही है? जिन चीज़ों का आप गलत और सही निर्णय नहीं ले पाते ना, आपने कभी भापा यूपीएससी वही उठाती है, क्योंकि यूपीएससी मानती है कि नॉर्मल आदमी के ब्रेन से ऊपर जाने वाला ही एक जिले को कंट्रोल कर सकता है, और जो हटके सोचने की काबिलियत रखता है। अब बताओ, कोशिश करो, सही है, क्या लगता है बताओ? इधर कुछ और, कोई और जवाब? हाँ कुलदीप, अच्छा जब ये ना से यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे इधर यहाँ पे हैं, आप इधर, जुडिशियल ओवररीच गलत है कि सही है? अरुण सही है कि गलत है? अच्छा, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़, क्या हुआ, कौन है, ओपन कर दो, सही है? अरे क्या हुआ, ध्यान से ध्यान से, आप जोर मत लगाइए वरना अरुण गिर जाएंगे, उधर से आ जाइए घूम के, उधर से आ जाओ, आ जाओ, चलो बैठ जाओ नाओ। तो हम बात ये कर रहे थे, ठीक है, पीलीभीत में बांसुरी बनती है, उसके बाद अमेजोन पे बिकती है, इससे जो है एक्सपोर्ट बढ़ता है, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, मांग की लोच। चलो इधर, चलो उसे खुला ही रहने दो, ये मास्टर पॉइंट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, इसको मैं डिफेंड करूंगा अभी, ये आंसर ठीक है। वर्षा ने भी आंसर एक सॉलिड दिया कि सर अगर वो ऐसा कर भी सकती है तो हम रोक कैसे लेंगे, 142 का मतलब कंप्लीट जस्टिस। आप सुनो ध्यान से सुनो, एक केस है बड़ा अच्छा, आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, हमारे जो संविधान के अंदर कभी कभी ऐसी विधि बनती है कि वो विधि पूर्ण नहीं होती है, मतलब कभी कभी ऐसी, जैसे मान के चलो चोरी है उसकी सज़ा लिखी हुई है, कोई ऐसे अपराध भी होते हैं जिसकी सज़ा नहीं लिखी होती है। तो ये बात है विशाखा वाले केस की। इस केस में हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, भवानी दास नाम करके जो है एक महिला थी, उस महिला ने बाल विवाह के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी राजस्थान में कि बाल विवाह कराना गलत है, सब कुछ है। अब राजस्थान में आपको पता है कि कई चीज़ों को लेकर कट्टरता है, वहाँ के लोग आज भी ऑर्थोडॉक्स हैं कई चीज़ों में लेकर के, जैसे बाल विवाह हो गया, या लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं, लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए बच्चे के जन्म, ठीक है।
होता क्या है कि भवानी देवी इस बात का अगेंस्ट करती हैं, तो भवानी देवी जो होती हैं वहाँ पे कार्यकर्ता भी होती हैं, काम करने जाती होती हैं, जैसे लेबर वगैरह का काम करने जाती होती हैं। होता क्या है कि समाज इनका बॉयकॉट कर देता है। जब बाल विवाह के अगेंस्ट ये बोलती हैं तो पूरा जो राजस्थान का समाज होता है वो इनसे बात करना बंद कर देता है। ऊपर से इनका सेक्सुअली मोलेस्टेशन करा जाता है, इनका रेप किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, इनके साथ बहुत गलत होता है। ऐसे में एक वकील साहब होती हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, वो जब इनसे जाकर के मिलती हैं, उनका केस लड़ती हैं, वो कंडीशन बात करने के लिए पहले ध्यान से सुनो। जब भवानी देवी के साथ ये सब बुरा होता है तो वो मेंटली एकदम अशांत हो जाती हैं। अब जब भी किसी के साथ में कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसका पहला काम होता है FIR दर्ज कराना। जब ये FIR दर्ज कराने जाती हैं तो ये पुलिस वाले से कहती हैं कि मेरे साथ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है। इसका मतलब होता है कि सामाजिक आर्थिक जो है वो अन्याय हुआ है। अब पुलिस वालों ने सारी किताबें पलट डाली, उन्होंने कहा ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस होता क्या है, ये तो कोई किताब में ही नहीं लिखा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर आप जुडिशरी ओवर रीच कहानी को समझोगे। बड़ा अच्छा कनेक्शन है विशाखा वाले केस में। विशाखा जो थी, इनका नाम भूल जाओ अभी, आप भवानी देवी का नाम याद रखो, ये केस इस नाम से पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, समझो। इसको लेकर के CRPC IPC यानी जो कानून की किताब है उसमें संशोधन हुआ, धारा बढ़ी। मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कौन सा एक्ट दिया, ध्यान से समझना। जो वकील थी उन्होंने जब केस फाइल किया तो भवानी देवी से जज साहब ने पूछा, क्योंकि भाई ये केस पहुंचा PIL के माध्यम से, जनहित याचिका के जरिए। जनहित याचिका ये रही आपकी, ठीक है, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म लमसम एक ही चीज़ है। पत्र पहुंचा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा ये मामला तुरंत सुनना चाहिए, बहुत संज्ञान का मामला है, किसी महिला के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। दिक्कत ये थी कि हमारी IPC में ये तो लिखा था रेप की सज़ा ये है, महिला को प्रतिबंध लगाने की सज़ा ये है, महिला को रोक के रखने की है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि किसी भी वर्क प्लेस यानी कार्यालय में किसी महिला के साथ बलात्कार या छेड़छानी होती है तब उससे संबंधित नियम था ही नहीं किताब में। और पुलिस वाले मजबूर होते हैं कि वो वही धारा लिख सकते हैं जो किताब में दी हुई हो, सर पे चोट लगने की 323, 324, 507, 504 ये सब धारा लिख सकते हैं। पुलिस वालों ने उनकी FIR दर्ज ही नहीं करी। वो वकील से मिली, वकील साहिबा ने बताया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम लोग एक PIL फाइल करते हैं। PIL फाइल करने के बाद न्यायालय में बात पहुंची, जजेस को बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारा लूप होल है, हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस की कोई सज़ा ही नहीं है। अगर कोई महिला कर्मचारी ऑफिस में जाकर के कोई काम कर रही है उसके साथ वहाँ रेप हो जाता है तो क्या वो रेप नहीं होगा? बिल्कुल रेप हुआ, वो इस कैटेगरी में क्या FIR नहीं लिखोगे? तो न्यायालय ने उस मामले को बड़े ही गंभीर तरीके से लिया और उसके साथ ही तुरंत सरकार को कहा कि एक अधिनियम बनाओ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ड्यूरिंग वर्क प्लेस, ठीक है, इसको POSWOC बोलते हैं। तो ये एक्ट बनाया गया और ये एक्ट बन के सामने आया, इसके तहत पूर्ण रूप से कानून की किताब में संशोधन कर दिया गया कि अगर कोई भी महिला कर्मचारी के साथ किसी भी ऐसे स्थान पर कोई मोलेस्टेशन करता है, रेप अटेम्प्ट करता है या रेप करता है तो उसमें सजा के प्रावधान डाले गए। ये लॉ था ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये तो था पहला केस, अब दूसरा केस समझना। पहली चीज क्लियर हो गई, अब दूसरी कंडीशन समझो। एक केस और था, ठीक है, कैटरीना वाली शीला नहीं, शीला वारसे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ। शीला वारसे केस में एक बड़ा निर्णय निकल के आया था कि एक महिला थी उसको अरेस्ट करना था। आपने अक्सर ये सुना होगा कि महिला को शाम के समय अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बिना फीमेल कांस्टेबल के अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इस PIL के बाद ही आई थी, जिसका नाम था शीला वारसे। शीला वारसे केस में क्या हुआ, एक महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है, शाम का समय होता है, पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट कर लेता है बिना महिला उसके जा करके। तो इन्होंने तुरंत PIL फाइल करी, बोली हाउ यू डेयर, फीमेल की अपनी एक डिग्निटी होती है। तो कोर्ट ने देखा कि इसके संबंध में लेके भी कोई लॉ है ही नहीं, कोई भी जा रहा है भेड़ बकरी की तरह, पुलिस कांस्टेबल महिला को उठा के थाने में ले आ रहा है, बाई चांस उस कांस्टेबल ने ही कोई हरकत कर दी, कौन जिम्मेदार होगा? और महिला को आप शाम को कैसे अरेस्ट कर रहे हो? शाम को इनफैक्ट आप उसे थाने नहीं बुला सकते इंक्वायरी के लिए, कोई महिला से गवाह लेनी है, कोई अपराधी है, कुछ भी, आप उसके घर जाओगे, उसके परिवार के लोग होंगे, तब जा करके आप उसकी गवाही लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। ये अधिकार इस PIL के बाद ही आए, उससे पहले महिलाओं के अरेस्ट को लेकर कोई अधिकार नहीं था। ये संशोधन है 1986 का, ध्यान से समझना मेरी बात, आपको इंटरेस्ट आएगा ऊपर नीचे में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सुनो, मैंने पूछा कि सर ये सुप्रीम कोर्ट के जज, नाउ द टर्निंग एंड द ट्विस्ट पॉइंट, मजेदार। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के पास गया, मैंने कहा सर एक अभ्युदय पे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के आपकी डालना चाहते हैं, आप जरा ये बता दीजिए जुडिशियल ओवर रीच पे बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि ये गलत है कि सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने बड़ा अच्छी बात की, वो ये बोले देखो अभिषेक एक बात बताओ, महिला को अरेस्ट करने का काम पुलिस का था,
पुलिस का था, मेरा नहीं था ना, लेकिन उसको कैसे अरेस्ट करना है, क्यों करना है, कब करना है, कि ये बात पुलिस को नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी। अपने दिमाग से भी तो लगा सकते हो कि महिला को उठा करके नहीं ले जाना चाहिए रात में। मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ का ऑर्डर दे दिया कि आज से महिलाओं को कैसे अरेस्ट करेंगे, मैंने क्या गलत कर दिया, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने पूछा, ये भी ठीक है सर, अब भी बताइए, मेरे समझ में नहीं आया। बोले आप ध्यान से सुनो, वो बेचारी महिला भवानी देवी जिसके साथ राजस्थान में गलत हुआ, जिसका रेप हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या कि जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि हम तुम्हारा अपराध दर्ज करें। तो मैंने क्या गलत करा अभिषेक, मैंने एक नया एक्ट बनवा दिया, मैंने कहा सर ये, बोले ये तो हमारे पास नहीं है। तो जुडिशियल ओवररीच का मतलब समझो, जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करता, जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है, लेजिस्लेटिव लूप होल होता है, तब जुडिशरी को सनी देओल बनना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, और तब जुडिशरी ऐसे में जो सख्त कदम उठाती है उसे कहते हैं जुडिशियल। इज इट क्लियर? हाँ पूछो। ये मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ, हद से ज्यादा तो मीडिया ने पॉपुलर करा। अब जुडिशरी का एक और लूप होल सुनो, आप मेरी बात नहीं समझे, पुलिस की कमियों को दूर करने तो करा, लेकिन ये कानून बनाने का काम कायदे में, अगर पार्लियामेंट ने पहले ही इस बात को संज्ञान में रखा होता कि महिलाओं की मॉडेस्टी और डिग्निटी होती है, क्योंकि इसके बाद ही रूल निकल के आया कि किसी महिला को शाम के बाद अरेस्ट नहीं करोगे। अगर कोई लेडी पर्दा नशी है, मुस्लिम जानते हैं जो पर्दा करके रहती है, हिंदू में भी होती हैं, तो अगर कोई पर्दा नशी लेडी है तो आप उसके घर में बिना परमिशन के घुस नहीं सकते सर्च करने, ये भी अधिकार शीला वारसी केस के बाद आया। तो यहाँ जुडिशरी का जस्टिफिकेशन कितना प्यारा है, जुडिशरी कह रही है कि आपको दिखने में लगता होगा हद से ज़्यादा, क्योंकि ये मीडिया कहती है, लेकिन अब हद से ज़्यादा नहीं जा रहा है। जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करेगा तो अभिषेक किसी को तो उतर के आना पड़ेगा ना कि एग्जीक्यूटिव को समझाने, तुम्हारा काम ये है मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। जब लेजिस्लेटिव लॉ नहीं बनाएगा तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये लॉ नहीं है, ये लॉ बनाओ। तो जब ये सारी चीज़ें जुडिशरी करती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल ओवर। यही बात आपको मेंस में लिख के आनी है कि ऑल्दो जुडिशियल ओवर रीच मे साउंड्स नेगेटिव, हो सकता है कि आपको पढ़ने के बाद ही नेगेटिव लगे, बट द रियल एम ऑफ द जुडिशरी इज टू लेट द एग्जीक्यूटिव वर्क एज पर द ट्रू डिजायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट द लॉ बी फ्रेम्ड एज पर द ट्रू डिजायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव को हम बता रहे हैं, लेजिस्लेटिव का काम जब लेजिस्लेटिव नहीं कर रहा हम बता रहे हैं, और जुडिशरी हमारे हाथ में है, तो उसे कहते हैं जुडिशियल ओवर। बात आई समझ में? तो जुडिशियल ओवररीच के दोनों पहलू हैं, अभी तक तो सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव इसने आज तक कुछ करा ही नहीं कि जुडिशरी हद से ज़्यादा चली जाए। जुडिशरी हर चीज़ देखती है, अगर लॉ ना हो तो 125 करोड़ की आबादी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान को नहीं कराना पड़ेगा, इंसान अपने आप ही लड़के मर जाएगा। आप सोचिए कि लॉ ना हो, आपको ये पता चल जाए कि हमें प्रॉपर्टी के कोई कागज़ नहीं रखने, जो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो वो हमारी, तो देखो फिर सुबह अभ्युदय आते हो कि निकल जाते हो आसपास एरिया एक्सप्लोर करने, झंडा गाड़ने ये संपत्ति मेरी। तो जुडिशियल ओवररीच के बारे में आई थिंक आपको समझ में एक बात आ गई होगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं करते तब जुडिशरी उनके एरिया में घुसती। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा सर सारी बातें ठीक है, आप भावुक हो गए, बहुत बढ़िया हुआ आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर दिया था उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, सभी को पता होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था ये रहा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, यही न्यायपालिका, यही कार्यपालिका, इन तीनों को शक्तियों का विभाजन मिला हुआ है, अगर इन दोनों इन तीनों में से कोई किसी एक की शक्ति में जाएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। और सर ये हमारे देश का संवैधानिकता बाद है, वो भी छोड़ दो, केशव नंदा भारती में अनुच्छेद 50 के तहत ये मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच डिफरेंस रहेगा। तो सर आपकी ये जुडिशियल ओवररीच तो गलत है। बोले अरे अभिषेक अब तक 32-33 लेक्चर हो गए हैं लेकिन आज तक जो बच्चों का भ्रम है वो मैं तोड़ता हूँ। बोले कैसे करें? बोले कभी भी हमने ये कहा ही नहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, हम हमेशा कहते हैं सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, ये बात याद रखना, सेपरेशन ऑफ, ये बात याद रखना। पावर में क्या मतलब है? पावर का मतलब ये होता है कि जब हम दूसरे की शक्ति छीन लें, यहाँ हम दूसरे की शक्ति नहीं छीन रहे, हम दूसरे का काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स वाले सर बाई चांस नहीं आए और वो कह दें कि आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो मैंने आज पढ़ाई में चला गया, लेकिन मैं उनसे उनके सारे लेक्चर ही ले लूँ, बिल्कुल उन्हीं की क्लास देना शुरू कर दूँ बिना उनकी अनुमति के, तो ये ओवर रीच हो जाएगा। बोले हम ओवर रीच कर ही कब रहे हैं, हम तो फंक्शन के साथ खेल रहे हैं। और याद रखना कि ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है, ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है, यानी कि
जुडिशरी इसके फंक्शन परफॉर्म करने जा सकती है। सर किस हद तक? कोई लिमिट है? नहीं। लेजिस्लेटिव जुडिशरी के फंक्शन परफॉर्म करने जा सकता है? कोई हद है? नहीं। डीएम साहब जुडिशरी के फैसले सुना सकते हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, दो लोगों को समन और वारंट देके बुला के निस्तारण कर सकते हैं, तो वो भी तो क्या जज हैं? नहीं, पर वो जुडिशरी के फंक्शन कर रहे हैं और उनको जज नहीं बोला जाता है। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम ये क्या फंक्शन पावर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने हमेशा बीच का रास्ता चुना। हम जीवन भर पावर पावर पढ़ते आए, लेकिन वो पावरों का विच्छेदन नहीं है, वो विच्छेदन है कर्तव्यों का, फंक्शंस का। इज इट क्लियर? तो जुडिशियल ओवररीच जस्टिफाई हो गई। अब यही जो बच्चा अच्छे से यूपीएससी नहीं पढ़ेगा उसे जुडिशियल ओवररीच पता है बिल्कुल गलत है, वो बन जाएगा अखबार वाला, वो खड़ा हो जाएगा। सर ये न्यायिक सक्रियता भी गलत है और न्याय की जो ओवर हद से ज़्यादा है वो बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका अपना काम करे, उनका काम है जजमेंट देना, लेकिन वो भवानी देवी विशाखा वाला केस पढ़ा ही नहीं होगा, शीला वारसे का केस पढ़ा ही नहीं होगा। और यही जब आप लोग मेंस में लिख के आएंगे तो वो आपको अपने हाथों से गोल्ड मेडल देने आ जाएंगे, उतर के सीधे हाथ पकड़ के लवासना ले जाएंगे और वहीं से कह देंगे हमारी बिटिया भी है तुम कर लो बेटा उससे ब्याह, आयोग के चेयरपर्सन, तो समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें लिखने का मौका मिलेगा ना, 100% मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसलिए ये सब रिसर्च का भाग है, इसलिए खूब रिसर्च करो, मज़ा आएगा। हैं? हाँ हाँ, सारे केसेस जो है वो पीडीएफ में कर दें। अच्छा पीडीएफ बना के, चलो देखते हैं। ऐसे मेन बात ये है कि जो केसेस है ना उनके अंदर जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ज़्यादातर इंग्लिश में है, हिंदी में उनको करने का प्रयास दृष्टि उठाती है, दृष्टि ने काफ़ी मटीरियल हिंदी में उपलब्ध कराया, लेकिन दिक्कत ये, आ जाओ बैठ जाओ जल्दी से बिना कुछ बोले। क्या चल रहा है? बैंड दृष्टि आई है, वो तो गलत है। सीता माता वाला जो उन्होंने तर्क उठाया ना, उसका लल्लन टॉप चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे आके वो जस्टिफाई किया है उन्होंने पूरे 27 मिनट, और मैं कहीं से गलत नहीं मानता। और उन्होंने बिना किसी बात के माफ़ी भी मांगी है 27 मिनट की वीडियो में, कि फिर भी किसी की भावनाएं आहित हुई हो। और जब ये ओरिजिनल वीडियो शूट हुआ था उससे पहले भी वो जो लाइन बोले जो इंटरनेट पे काट करके डाल दी गई, उन्होंने कहा था कि मेरी जबान गिर जाए, इतनी गलत बात है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ा। हाँ तो खैर रिसर्च है, छोड़ो इसको, आप ध्यान से सुनो, वापस आ जाओ। मैकॉले मिनट, हाँ किसमें किसमें ध्यान से? हाँ अब बात मैकॉले की चलिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ। टीबी मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले उसका पूरा नाम था। और ये सिर्फ यही नहीं, ये बीएड में भी आता है, इसलिए मुझे याद है इसका नाम, कोई मुझे शौक नहीं है टीबी मैकॉले का नाम याद करने का। टीबी मैकॉले की एक शिक्षा पद्धति थी, उसका एक विजन था, ऐसा नहीं उसने गांधी जी को जाके नहीं बताया था कि मैं आपकी शिक्षा पद्धति में खिलवाड़ करने वाला हूँ, लेकिन मैं वो शिक्षा पद्धति दूंगा जिसको हम दो एंगल से देखते हैं। उसने ये कहा कि भविष्य में इंडिया आगे चल के जो शिक्षा लेगा वो मजबूरी हो जाएगी। अगर हमारी जो शिक्षा थी वैदिक और बाकी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता वो गलत थी, उससे आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बनी रहती, आपको धर्म का ज्ञान होता, आपको किताबों का ज्ञान होता, आपको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता, लेकिन फिर भी आज आप इंग्लिश का कोर्स बैठ करके 3 साल का कर रहे होते, क्योंकि हमारी कंट्री ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होनी थी, जितने देश हैं उसमें हमें सहभागी एक दूसरे से कनेक्शन करना ही करना था। तो मेरी नज़र में टीबी मैकॉले बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसने वो भाषा पद्धति के अंदर अंग्रेजी तब डाल दी जब भारतीयों को अंग्रेजी की वैल्यू पता नहीं थी, और इस बात को हम आज जस्टिफाई कर सकते हैं 2022 में। आपको अंग्रेजी ना आती हो, चले जाओ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने, आपसे ज़्यादा तेज अंग्रेजी सामने वाला बोल रहा होगा, मैकडॉनल्ड पे चले जाना, पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप यही कहोगे भैया 15 वाला बर्गर है, नो नो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चीज़ विद गार्लिक एक्स्ट्रा कोल्ड कॉफ़ी विद आइस विदाउट आइस विद आइसक्रीम विदाउट आइसक्रीम चीज़ बस पिज़्ज़ा। अरे छोड़ो इधर, मैं वहाँ काम नहीं करता था लेकिन बता रहा हूँ। हाँ बस यही बात आ जाती है, हमारे वेदों के अंदर जो भी मैं मैकॉले को जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है वो कौन सी पिक्चर है, वो कौन सी मूवी है, जीनियस, द जीनियस है ना, तो वो IIT में जाके इतनी घटिया स्पीच दे देता है कि मैं तो ये सोच रहा था IIT का एंट्रेंस ने क्रैक कैसे कर लिया,
बात समझो, वैदिक, मैंने कहा ना कि वैदिक से आपको पूरी पृथ्वी, लेकिन आप उस चीज़ को ग्लोबल मंच पे एक दिखा सकते थे, इसलिए इंग्लिश जरूरी थी। लेकिन आपका कहना है कि सर जब वो चीज़ें दी थी, अगर हम वो पढ़ते तो हो सकता है कि आज हम इतने आगे होते कि पूरा देश हिंदी सीख रहा होता, ये पॉइंट को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। लेकिन उसके पीछे एक दिक्कत ये थी, ज़्यादातर हमारे जितने भी जो टेक्स्ट थे, आपने देखा होगा जेम्स वगैरह, जेम्स प्रिंसिप और ये सब कन्वर्जन के फेस पे थे। मैं आपको ये बता दूं कि मैकॉले ने 1835 पे जब शिक्षा पद्धति पे जोर देना शुरू कर दिया, तब इधर हमारी टेक्स्टों का कन्वर्जन हो रहा था। और दूसरी ये ब्रिटिश की मक्कारी थी, उन्हें ये लगा इतने काम की चीज़ अगर हम इनको कन्वर्ट करके भी पढ़ा देंगे या इन्हें इन्हीं की भाषा पढ़ने देंगे तो ये हमसे मेंटली बहुत आगे निकल जाएंगे और हो सकता है कि अपनी चीज़ों को ये आसानी से डेवलप कर लें। अब उन्हें हमें गुलाम बनाना था या कह लो खुद को सुपर पावर बनाना था, तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात तो किया है, आपकी बात से मैं जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन फिर भी कहानी वही आ जाती है कि इंग्लिश हमें सीखनी ही सीखनी पड़ती। चलो हम हिंदी पूरे राज्यों में चला देते, हर जगह चला देते, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो आज भी अपनी लोकल नेटिव भाषा चलाते हैं, आज भी लोकल नेटिव भाषा बोली जाती है। चाइना देख लो, चाइना की मैंडेरियन बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन कम्युनिकेशन ग्लोबल में हमको दिक्कत कहीं ना कहीं होती है, और उसने मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से कुछ गलत नहीं करा। और हम ये भी नहीं कह सकते उसने हमारी चीज़ों को छिपाए रखा, छीन लिया। अभी भी संस्कृत है, अभी भी वैदिक है। कितने लोग संस्कृत स्कूल में दाखिला ही लेने जा रहे हैं, कितने लोग घर पे वैदिक ज्ञान ले ही रहे हैं। बात आप ये भी सोचो, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल है। 2024 आ रही है, बताओ हिंदी उसके पीछे। अरुण एक दिक्कत और है, दक्षिण से नीचे हिंदी नहीं है, ठीक है। इंडिया में हिंदी ना चल पाने का कारण दक्षिण है। और इवन अगर आप किसी से कहो कि हिंदी पुरानी की तेलुगू, संस्कृत पुरानी की तेलुगू, प्राकृत पुरानी की तेलुगू, तो तेलुगू सबसे पुरानी है और तेलुगू सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित रहेगी। हमारे भारत के अंदर ही पूरा भारत हिंदी बोलने को तैयार नहीं है, पूरा भारत संस्कृत बोलने को तैयार नहीं है, तो कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। इसका कारण विभिन्नता है। आंध्र प्रदेश 1956 के अंदर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, 53 में उसको भाषाई आधार पर गठित कर दिया गया था। क्यों करा वो, तो ये कह रहा था, आपको पता होना चाहिए, गुजराती प्रांत जहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात के लोग सेपरेट कर दिए थे, सिर्फ गुजराती बोलने वाले मेजॉरिटी में थे। तो ये चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर उसने इंग्लिश दी तो ठीक करा, ऐसी भाषा जो दूसरे देश की थी हम सीख गए वो बढ़िया रहा, वरना यही होता कि हमारी हिंदी से अच्छी तेलुगू है, तेलुगू को राष्ट्रीय भाषा बना दो, ये बना दो। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसी वजह से इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो बाकी रहेंगे 24 तक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है कि सीख लो पहले रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं सर, उनको हटाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो उनको हटाने के प्राकृतिक कारण है कि अकस्मात किसी जज की मृत्यु हो जाए तो वो स्वयं हट जाएगा, आत्मा तो आएगी नहीं जजमेंट डिलीवर करने। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो 65 साल की आयु में रिटायर हो जाए तो भी ठीक है। सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के कोर्ट के जज की आयु है 60 साल, क्या ये 65, 62, 60 का जो नियम है ये बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, बताओ। 65 साल, 62 साल, 60 साल जो जजिस का रिटायरमेंट का पीरियड है ये चेंज किया जा सकता है संसद के द्वारा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
ठीक है, 65 है 70 भी कर सकते हैं, 65 से नीचे भी कर सकते हैं, पहली चीज। हाँ कोई भी मूल ढांचा छोड़ के आप पूरे संविधान में आर्टिकल 395 में इक्वलिटी डाल दो, कि आर्टिकल 14 की जगह आप आर्टिकल 395 में इक्वलिटी लिख देंगे, बस इक्वलिटी संविधान में रहनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म रहना चाहिए, नहीं मिटा सकते। अब ध्यान से सुनो, जजेस को रिमूव करना कितना आसान है कितना कठिन है ये आप डिसाइड करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के 34 जज को जब भी लिखो तो ऐसे लिखो, एक मुख्य न्यायाधीश CJI, 33 अन्य जज, इनकी संख्या समय समय पर बदलती रही, 68, 82, 86 और उससे पहले, और फाइनली अभी 2019-20 में चेंज हुई थी तो और 33+1 हो गई है, टोटल 34। इसमें से ये एक जज साहब, इन्हें दो ही कारणों से निकाला जा सकता है सबसे पहले समय, और इन्हें निकालने के लिए चलता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब इन्हें सर्विस में रिटायरमेंट से पहले अगर निकाला जाता है तो सिर्फ दो ही कारणों से इनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। सबसे पहला होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, संविधान के खिलाफ कोई चीज जो संविधान में लिखी है ये उसके खिलाफ संविधान में बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने तुमको सुप्रीम कोर्ट में बैठाना है संविधान के निर्वाचन के लिए, व्याख्या के लिए, और तुम संविधान को ही गलत कर रहे हो। दूसरी चीज इनकैपेसिटी का मतलब होता है जब कोई जज असमर्थ हो जाता है। एक जज का पूरा काम होता है अपने मेंटल यानी कि दिमाग से निर्णय देना, दिमाग से सोचना। अगर कोई जज को अल्जाइमर नामक कोई बीमारी हिट कर जाती है जिससे उसका दिमाग उतना काम नहीं करता तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे उसको, नहीं रखेंगे। तब दो तरीके होते हैं, या तो कभी कभी हम मेडिकल ग्राउंड पे भी कर देते हैं, या कोई जज बुद्धि से ठीक है लेकिन तब भी वो ऐसे काम करने लगा है जिसे हम असमर्थ की श्रेणी में ले आएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम करने लगा, वो गिर गया, अब वो दोपहर 2 बजे के बाद भूल जाता है कि कौन सा रूल है कौन सी किताब है, तो हमें समझ में आ गया 2 बजे के बाद ये जजमेंट नहीं दे पाएंगे तो इनको वापस ले लो, ये इनकैपेबल हो गए, ठीक है। दो ही कारण होते हैं, संविधान के अगेंस्ट में कोई काम कर देना या जज साहब के अंदर किसी भी प्रकार की असमर्थता आ जाए जिससे वो जजमेंट डिलीवर ना कर पाए। तो फिर सर क्या हम यहाँ पे जजेस को निकाल देंगे, डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, जज का करेंगे महाभियोग। कैसे करेंगे वो महाभियोग, सीखो, जज साहब का महाभियोग करने के लिए सबसे पहले लोकसभा के अंदर कौन होते हैं, स्पीकर साहब, हमारे अध्यक्ष साहब सभी को पता है। राज्यसभा के अंदर सभापति होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनको हम चेयरमैन बनाते हैं उपराष्ट्रपति होने की वजह से। अगर किसी भी जज को हटाना है तो जज को हटाने के लिए एक मोशन पारित किया जाएगा, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, वो प्रस्ताव चाहे यहाँ कर लो पहले चाहे पहले यहाँ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप जज साहब को हटाने का एक पत्र लेके गए आपको सबसे पहले वो पत्र देना पड़ेगा, अगर लोकसभा में दे रहे हो तो स्पीकर को, राज्यसभा में दे रहे हो तो चेयरपर्सन को, वहाँ का जो चेयरमैन होता है। अब यहाँ पे स्पीकर की पावर्स आपको सुन के मजा आएगा, ये जो अकेला आदमी स्पीकर है ना और ये जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, ये इतने ब्रिलियंट लोग होते हैं, इनके पास इतनी पावर्स होती हैं कि कुछ पूछो मत। यहीं पे स्पीकर साहब को लगा कि ये जज साहब को इम्पीच कर रहे हैं, मैं जानता हूँ वो जज गलत नहीं है, स्पीकर साहब उस मोशन को फाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं हो सकता। जब जस्टिस दीपक मिश्रा जी के खिलाफ महाभियोग चला था तो वेंकैया नायडू जी जो थे, आपको पता होगा इससे पहले जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं, इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जब राज्यसभा के सभापति के हाथ में दिया गया तो वेंकैया नायडू जी ने वो प्रस्ताव पत्र फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया कि दीपक मिश्रा जी के खिलाफ में महाभियोग नहीं चलाना है। तो सर ये गलत है या सही है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन स्पीकर को पावर दी गई है, ध्यान से समझो। मान लो लोकसभा के अंदर ये आ गया, अब यहाँ पे उस बिल के समर्थन में पहले 100 लोग खड़े होने चाहिए, वो अपनी सीट पे आइस या फिर यस बोल देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, उनकी काउंटिंग हो जाएगी और उनके साइन हो जाएंगे कि 100 लोग लोकसभा के अंदर इस बात से सहमत हैं कि हमें निकाल देना चाहिए इनको। उसके बाद तुरंत ही ये मोशन मूव कर जाएगा, अब राज्यसभा में जो संख्या होती है वो लोकसभा की जस्ट आधी होती है, तो यहाँ पे हमने 50 सदस्यों का प्रावधान रखा है, यहाँ ये जो 50 सदस्य हैं ये अपनी हाँ कह देंगे तो भी काम हो जाएगा, बात हो गई। अभी सिर्फ मोशन प्रपोज हुआ है, अभी जज को नहीं निकालेंगे इतने में, ध्यान से समझो। जब ये दोनों लोग सहमत हो जाएंगे, तब एक एक्ट बना हुआ है उसे कहते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1987,
इसके तहत इंक्वायरी होगी अब जज साहब पे, यानी इन दोनों लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। पहली स्टेप है स्पीकर और चेयरपर्सन, अगर स्पीकर साहब फाड़ के फेंक देंगे तो ये 100-50 का खेल नहीं होगा। मान लो स्पीकर साहब ने नहीं फाड़ के फेंका, राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने नहीं फाड़ के फेंका, तो 100 लोगों की हामी चाहिए, फिर 50 लोगों की हाँ चाहिए, हो गई हाँ। उसके बाद समझिए अगली स्टेप, फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट आ जाएगी, ठीक है, यानी कि न्यायिक अधिकारी, ठीक है, इंक्वायरी अधिनियम आ जाएगा, ठीक है, जांच या जो भी अधिनियम 1987। इसके तहत एक कमेटी बनेगी, अब इस कमेटी में 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी ध्यान से समझना, एक ट्विस्ट आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज, मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैंने कहा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जज साहब को हटाने के लिए 100 लोग लोकसभा, 50 लोग राज्यसभा के चाहिए। उससे पहले इन दोनों जगहों के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा का जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी होता है उसको सभापति कहते हैं। अगर उसे लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अन्याय हो रहा है, वो वहीं फाड़ के फेंक देगा, नहीं फाड़ा तो लोकसभा के अंदर 100 लोग हाँ लिख के देंगे कि ये जज करप्ट है, इसके खिलाफ ये कार्रवाई चलाओ। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में मोशन आएगा, वहाँ से 50 लोग हाँ लिख के दे देंगे। अगर ये प्रक्रिया पूर्ण हुई तो फिर जज इंक्वायरी एक्ट के साथ ये 3 लोग अब उस जज साहब के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। ये चीज क्लियर हुई, फिर से जुडिशरी के हाथ में मामला आ गया, ध्यान से देख रहे, समझ रहे ना चीज को, कि जुडिशरी को चेक करने के लिए बिल पास कराने के बाद फिर से जुडिशरी के हाथ में मामला आ गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट समझ लो ध्यान से, जो लिखा हुआ नहीं लेकिन समझ लो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ये सब हो रहा है तो इस पैनल में कौन बैठेगा, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो इनके बाद सीनियर होगा वो बैठेगा। ये बात ध्यान रखना, ये टर्निंग पॉइंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ही करप्शन के चार्ज लगे या फिर ये दोनों चार्ज लगे हुए हैं, तो इन दोनों चार्ज के तहत इस पैनल में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बैठना चाहिए। अब उन्हीं के ऊपर आरोप लगे तो कौन बैठेगा, तो उनके बाद आयु में जो सीनियर मोस्ट जज सेकेंड नंबर का होगा वो इस कमेटी में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, उस पे भी चल रहे होंगे तीसरा बैठ जाएगा, तीसरे पे चल रहे होंगे चौथा बैठ जाएगा, 34 हैं, इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ है कि 34 के 34 ही समाप्त हो जाए, बात आई समझ में। अब ध्यान से सुनो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, अब आपको और मजा आएगा ये, हाँ पूछिए पूछिए, इसे बना दें, अच्छा इसको बना दो, नहीं मिटाएंगे, वैसे मैं इसको इस लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे ताकि आपको आसानी मिले, ध्यान से समझो, ठीक है, ये रहे सुप्रीम कोर्ट के 34 जज, 33+1, इन 33 में से किसी एक के खिलाफ हमने 2 कारण पाए, सबसे पहला इनकैपेसिटी, दूसरा वायलेशन, ये तो एक असमर्थ और एक संविधान के अगेंस्ट में कोई काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है, बताऊंगा अभी किसका इम्पीचमेंट आज तक हुआ है किसका नहीं हुआ ये भी बताऊंगा। उसके बाद ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें यात्रा करानी पड़ेगी लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, बोलती लोकसभा में ज़्यादा लोग होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं, उससे पहले लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय होते हैं, राज्यसभा के अंदर सभापति होते हैं। अगर स्पीकर के ऊपर स्टार बना लेना, चेयरमैन के ऊपर स्टार बना लेना, स्पीकर ही चाहे तो खत्म, कोई जज साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं चलेगी, स्पीकर को लगा बिल फाड़ के एक दो, ऐसा सर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो एम वेंकैया नायडू जो यहाँ के चेयरमैन थे, यहाँ के चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, उन्होंने बिल फाड़ के फेंक दिया कि दीपक मिश्रा जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चलेगी, ये फॉल्स है, फेक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, स्पीकर ने स्वीकृति दे दी, 100 लोगों के पक्ष में फेवर में वोट आ गए कि 100 लोगों ने कह दिया हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए होना चाहिए, तो फिर ये लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद ये यात्रा करेगा राज्यसभा की, राज्यसभा के चेयरमैन ने हाँ कह दिया तो ठीक है, अगर यहाँ के स्पीकर ने हाँ कह दिया, इसने ना कह दिया तो भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पहले पारित करा, इसने हाँ कह दिया, बाद में यहाँ गया, यहाँ मना हो गया तो भी खत्म हो जाएगा मोशन, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों पावर में दोनों सेपरेट है, ये बात में भी मना कर सकता है, ये भी बात में मना कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, 100 लोगों वाला काम हो गया, 50 का काम हो गया, स्पीकर का काम हो गया, सब हो गया, तभी तुरंत ही सीन में आ जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1987। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मतलब ये होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अलग है, बॉम्बे के अलग है, मद्रास के अलग है, उत्तराखंड के अलग है, हर जगह के अलग अलग होते हैं, 25 हैं अभी हमारे पास, इन 25 में से किसी एक को बैठा लेंगे और तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। फिर मैंने तीसरी बात ये बताई कि अगर CJI के खिलाफ ही मामला चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके बाद जो अगला जज होगा सीनियर उसको बैठा लेंगे, बात क्लियर हो गई। यहाँ पर अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे भी
इतनी प्रक्रिया करने के बाद ये प्रक्रिया आई और यहाँ पे इन जजेस ने जज साहब पे इंक्वायरी करने से मना कर दिया, तो भी महाभियोग की प्रक्रिया खत्म। तो इस फिर से जुडिशरी के हाथ में कंट्रोल आ गया। चलो मान लो इन लोगों को भी लगा कि ये लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं, वो जज खराब है। एक पड़ाव पार हो गया, दूसरा पार हो गया, अब तीसरा आता है जो सबसे कठिन है। तीसरे में ये आता है कि फिर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी कंबाइन, और ये जो हाउस है ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, डिबेट डिस्कशन वोटिंग, यानी कि डिबेट होगी उस बात पे लेकर के। लेकिन सबसे पहले इन दोनों सदन में डिबेट करने से पहले कोई भी बिल होता है वो हमें पास कराना होता है। यहाँ पे ये भी कठिन काम है क्योंकि इन दोनों हाउसेस से बिल पास कराना पूर्ण बहुमत से होता है, और पूर्ण बहुमत का ये होता है कि सदन के जितने सदस्य हैं, जैसे लोकसभा के 552 प्लस 2/3 जो इनमें से ज़्यादा होता है, यही सेम इसमें, यही सेम राज्यसभा में, इसको हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत से जैसे ही हम यहाँ से बिल पारित करा लेंगे, मोशन को यहाँ से पारित करा लेंगे, फिर होगी डिबेट डिस्कशन वोटिंग। डिबेट डिस्कशन वोटिंग का मतलब यह है कि अब उस बिल पे बैठकर बहस होगी कि इनके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस ठीक हैं, वो चार्जेस गलत हैं या नहीं है। ध्यान से सुनो, तो जज साहब बड़े खुश हुए। जज साहब ने कहा, यार अभिषेक ये प्रक्रिया बड़ा कठिन लगती है, मुझे नहीं लगता कि मेरा रिमूवल हो पाएगा। मैंने कहा, सर आपकी बात तो ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रक्रिया कठिन, इसे करने के बाद आपने CGI और इन लोगों को सबको पत्र लिख लिख के माफ़ी भी मांग ली कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, इनकी भावनाएं बदल गई, तो ये भी मना कर सकते हैं। चलो ये दोनों ने कह दिया कि नहीं, इस जज को हटाना है, ये वाली प्रक्रिया हो जाए, ये बहुत कठिन बात है क्योंकि 2/3 वाला बहुमत लाना भी बहुत कठिन होता है। जितने लोग बैठे हुए होते हैं उनमें से 2/3 निकलवाना, या इस सभा के अंदर इसका 51%, इन दोनों में कंपैरिजन होता है, जो संख्या ज़्यादा होती है उससे बहुमत बनता है, यही काम राज्यसभा में होता है। अब सुनो सबसे टर्निंग पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो ये तीनों प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है, ये जो DDV दिख रहा है आपको, ये वाली जो लास्ट स्टेप है, ये बिल्कुल सबसे कठिन है होना, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक एक ही दिन में होनी चाहिए और एक ही सत्र में होनी चाहिए, ये नियम है। अगर ये एक ही सेशन में नहीं हो पाया, आज वोटिंग नहीं हो पाई, आज डिबेट नहीं हो पाया, आज डिस्कशन नहीं हो पाया और अगले दिन भी चला गया, तो जज साहब का महाभियोग खत्म। कितनी टिपिकल स्टेप है, तो जज साहब सेफ हो गए। अब सुनो सबसे ट्विस्ट की बात, सबसे कड़ी बात, मान लो ये भी हो गया, तो क्या सर जज साहब रिमूव हो जाएंगे? नहीं रिमूव होंगे, क्यों? क्योंकि उनको अभी बचाने के लिए एक चीज़ और जिंदा है, न्यायिक पुनर्विचार, कि क्या ये फैसला जुडिशियल रिव्यू से वो चेक करेंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कि देखेंगे कि इन्होंने जज साहब को जो निकाला है उसकी समीक्षा करेंगे कि सही कारण से निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर जुडिशियल रिव्यू को लगा ये सही नहीं है निकालना, तो जज साहब अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। हाँ ये लो, यही हुआ आ रही है।
अधिकार, दिस इज कॉल्ड ट्रू फंक्शन, या कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव। क्लियर बच्चा? क्या वो कंफ्यूज हो गए? फिर कुछ नहीं, फिर इंक्वायरी के लिए इसमें चला जाएगा स्टेप टू में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट का एक और है, तीन नियम कमेटी में और इस कमेटी का तो टाइम नहीं है, ये कमेटी एक महीने, एक साल, दो साल, पाँच साल या देखा जैसा आपके रिटायरमेंट में दो दिन रह जाए। अरे हम तो रिपोर्ट दे ही जा रहे थे रिटायर को। इसके बाद भी जैसा आप बताए, जैसे सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि हमारे जैसे साथी के जो मीडिया वक्त क्रिटिसाइज कर रही होता है सुप्रीम कोर्ट के साथ छोड़े छोड़े, तो ये तुरंत मामले को न्याय करने जा रहा है। महाभियोग 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 किसी के समझ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई जैसे बताओ कि महाभियोग से हटाया गया या हटाया हटा दिया गया हो, नहीं आता है मेंस वाला। चलो ये चीज क्लियर हुई, किसी को डाउट है पूछ लो अभी। जुडिशरी के पास इख्तियार है, सबसे बड़ी बात कंप्लीट जस्टिस
चलो आगे बढ़ते हैं। ये सीखे या नहीं सीखे? नाउ आप ध्यान से सुनो, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। हाई कोर्ट का टॉपिक मैं समझा दे रहा हूँ, हाई कोर्ट और समझ लो, क्योंकि हाई कोर्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इस लेवल के आते हैं कि आप हाई कोर्ट खुद से पढ़ के भी समझोगे। लेकिन एक ही पॉइंट है हाई कोर्ट में जो मुझे बताना है, ध्यान से सुनो। अभी एक चीज आपसे और पूछूंगा, अभी क्वेश्चंस भी बाकी हैं। अब ध्यान से सुनो, आप जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो इसका आंसर गलत देंगे, ठीक है? ध्यान से समझो, कौन कौन बुद्धिमान नहीं है इधर देखो, अभी पता चलेगा। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ठीक है, इनको बाध्य कर रखा है हमने किसकी एडवाइस पे? सीबीआई एक्स की, जो जा रहे हैं, जो विदाई लेके जा रहे हैं, इसलिए इनके नाम से पहले एक्स लिख लिया था। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ इस सीजेआई को शपथ कौन दिलाता है? जो नए सीजेआई आए हैं, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी को किसने शपथ दिलाई? ठीक है, आप मेरे बुद्धिमान बच्चों के हाथ से सुनना। 216 के तहत हाईकोर्ट होना चाहिए, बात खत्म। हाईकोर्ट के जजेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है और ओथ कौन दिलाता है, ये कौन बता? गवर्नर। बिल्कुल, मैंने नहीं पूछा आपसे, भाई तब बताओ। आपने सीक्वेंस में नहीं बताया ना, गवर्नर ही नियुक्ति करता है। अभी बैठ जाओ, अभी आई हो आप? अच्छा अच्छा, ये पबजी वाली है, चलो बैठो। आप ध्यान से सुनो क्योंकि फिर सर आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। एक टर्निंग पॉइंट सुन लो, उसके बाद मत कहना मुझसे, ठीक है? अब ये बताओ, आपने ये देखा कि 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं, किसकी सलाह पे? एक्स सीजीआई जो कि बाध्यकारी होती है, इनको शपथ कौन दिला रहा है? ठीक है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, न्यायाधीश चुने जाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए 25 हाई कोर्ट है, हर हाई कोर्ट के ऊपर एक हेड होता है जिसको सीजेएच बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हर राज्य का अपना एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो उस हाई कोर्ट का सबसे टॉप जज होता है। अब मुझे ये बताओ कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति कौन करेगा? अगर केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में? वेरी गुड, आज बॉनबीटा कॉम्प्लेंस सब पियो जाकर। मैंने कहा ना बुद्धिमान बच्चे जिसका जवाब सबसे पहले गलत देंगे। हाँ रुक जाओ, फैजान का और गलत आ रहा है। हाँ फैजान का ये है, अगर बाइक एक्सीडेंट हुई लाइट कैसे तोड़ी, फिर पीछे जाऊंगा फिर मारूंगा, टंकी तक नुकसान दूंगा। हाँ फैजान, हाँ फैजान, अभी थोड़ा एक्सीडेंट बाकी है। हाँ प्रेसिडेंट, अरे वाह, इस बार बाइक बचा के ले गए, कट मार गए, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से सुनो, डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि बात ध्यान से सुनो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन के लगता है अरे केंद्र, इसे सुन के लगता है राज्य, बिल्कुल गलत। हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्टेट के तीन फंक्शन की तरह अलग हो गया। यहाँ गवर्नर का काम क्या है ये भी सुनो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। सर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, 217 में लिखा है। क्या सर इनकी बात राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगी? बिल्कुल होगी सर, लेकिन गवर्नर कहाँ चलेगा? ध्यान से सुनना सर, गवर्नर कहाँ चलेगा? अगर किसी राज्य में गवर्नर नहीं है तो आपको ये पता होगा कि उस राज्य को दूसरे राज्य के गवर्नर के साथ ही जोड़ दिया जाता है। किसी राज्य में गवर्नर गवर्नर को हम कंपलसरी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, गवर्नर को तुरंत बना दिया जाता है कि हम आप जिस राज्य में इस समय तैनात हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, आप अपनी राय देना चाहते हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन सर बुक में लिखा है
बुक में क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से, ओथ के बारे में लिखा है, ओथ के बारे में, ओथ। अभी मैं आ रहा हूँ इस पे, ये लास्ट चीज मैं लिख दूँ फिर बुक की लाइन पढ़ना मजा आएगा। राष्ट्रपति CJI हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे, गवर्नर को इन्वॉल्व कर भी सकते हैं नहीं भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शपथ समारोह में गवर्नर साहब ही शपथ दिलाएंगे। ये होती है मुख्य न्यायाधीश की। अब आप कहोगे सर हाई कोर्ट की नियुक्ति कैसे होती है, हाई कोर्ट के जज की नॉर्मल जो चीफ जस्टिस नहीं है उसकी नियुक्ति में सिर्फ राष्ट्रपति आगे आ जाते हैं और राष्ट्रपति सारे काम कराए जाते हैं, शपथ गवर्नर दिलाते हैं। अब आप बुक में पढ़ो गलत, मैंने कहा नियुक्ति कौन करता है, इसे ही कहते हैं। जब आप शिवांगी से पूछ रहे हैं कि पीछे दरवाजा खुलने के बाद बुद्धि कौन खड़ा है तो कैसे यहाँ पर ध्यान जाएगा। चलो इसीलिए कहते हैं कि अटेंटिव रहो, ध्यान से समझो। फिर से ये चक्र जो है ये बताता है कि देखो ये सतयुग है, ये कलयुग, द्वापर, त्रेता। चलो अब ध्यान से सुनो, टाइम कम, सर कलयुग नीचे ही रख देते हैं हाईकोर्ट को। फिर से मेरी बात सुनो, 124 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का रूल बिल्कुल सिंपल है, डोंट गेस कंफ्यूज। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, पुराने चीफ जस्टिस बाध्य हैं उनकी सलाह पे नियुक्ति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, गवर्नर का दूर दूर तक केंद्र में कोई रोल नहीं है, ये आप भी जानते हो। लेकिन राज्य में कहानी दूसरी है, हाई कोर्ट जो होते हैं वो कभी भी राज्य के अधीन नहीं होते, हाई कोर्ट अधीन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा वही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। चलो मैंने कहा था ना टाइम कम, इसलिए इधर फोकस करो ध्यान से। नाउ लास्ट पॉइंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसको राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ भी CJI की राय बाध्यकारी होती है इनके ऊपर। साथ में ये गवर्नर से राय पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं, गवर्नर की राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन जो शपथ दिलाई जाती है वो। अच्छा सर जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है नॉर्मल हाई कोर्ट का है वो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, उसमें राष्ट्रपति साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को बैठा लेंगे, उससे पूछ सकते हैं कि मैं नियुक्ति कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको हाई कोर्ट की पावर और फंक्शन और नियुक्ति कवर करने हैं, मैं नोट्स में डाल दूंगा, कोई भी डाउट होगा मेरे अगले लेक्चर में पूछ लेना। इसमें लिख दूँ? हाँ नोट्स में लिखा है, नोट्स बन चुके हैं नोट्स में, अभी यहाँ से बाहर निकल के सेंड कर दूंगा, कल भेजे नहीं थे मैंने। चलो चलो क्या थे बजा दी, वीडियो बंद कर दी क्या चीज़ ये।